वी ऑल सेट पैक्ड वॉर्म, जितने कपड़े पहन सकते पहन लिए, एक बैग रेडी कर लिया क्योंकि ले जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी चेकआउट करेंगे होटल से और निकलेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि कैसा ट्रैक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली मौसम तो बहुत सही है, पर ऊपर जाके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो मे बी शायद बारिश भी आ जाए या कुछ, तो हमने वो सारी ऑप्शंस अपने साथ लेके चल रहे हैं। हमने टेंट्स जो हैं वो बुक करा लिए हैं, तो अभी चलते हैं देखते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस प्रॉपर्टी द पाइन वैली। और देखिए बहुत अच्छा है, किसी को रुकना है तो मैं यहाँ पे इनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। सो लेट्स गो एंड लास्ट टाइम की चेक कर रहे हैं कि कुछ भूल ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिवंड की जर्नी। सो गाइज आई रीच्ड भागसुनाग पार्किंग और गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है सामने ये होटल सुमित एडवेंचर के आगे। और अब ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं पहले। यार, we are having our breakfast here, नेहरिया टी शॉप पे। भी खा के बताते हैं, ये भैया बनाते हैं खाना। भैया कितने पुराने हो? मेरी एज तो हो गई 22। नहीं शॉप आपकी? तो हो गई भाई 40। 40 इयर्स की इनकी शॉप है। अभी ये ऐसे आलू के पराठे बना रहे हैं, अभी खा के देखते हैं कैसे हैं। सो गाइज करेंटली 12 बज गए, थोड़ा सा शेड्यूल से लेट है क्योंकि ग्रुप में यही होता है, कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते। तो जो हमारे को ये पूरा ट्रैकिंग करा रहे हैं तो मैं अब आपको उनको उनसे मिलाता हूँ। उनका नाम है अंशु भैया। तो भैया अपने बारे में बता दो और अपना फ़ोन नंबर बता दो। मेरे को ट्रैकिंग एडवेंचर लाइन में 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैक्लोडगंज में जो वेरी फेमस ट्रैक है वो है त्रिवंड ट्रैक। और मैक्सिमम लोग जो 100% जो लोग यहाँ पे, वहाँ पे 80% वो चाहते हैं कि हम ट्रैक करके आए। और ये जो ट्रैक है ये ईजीएस्ट ट्रैक है और स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि बंदे वार्म अप नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तो बॉडी जब एक्चुअल हो जाती है तो ईजिली। और जैसे जैसे आप रीच में पहुँचोगे, जैसे आप कैंप साइड में पहुँचोगे, आपको वहाँ पर धौलादार रेंजेस दिखेगी और वहाँ का जो व्यू होगा वो इट्स अमेजिंग व्यू होगा। अभी मैं आप सबको एक ये पैक लंच में लेके आया हूँ, ये आप सबको एक एक पैक लंच डिवाइड कर दूंगा ताकि ऑन द वे आपको खाने के लिए। ऑन द वे टी स्टॉल्स है, बट जितनी ऐसे आप हाइट पर जाओगे प्राइस उतना भी एक्सपेंसिव होता जाएगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। हाँ, पानी की बॉटल 50 की मिलेगी, तो जो भी है आप छोटे मोटे यहीं से कैरी करके लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। और मेरा नंबर तो आप भाई को पता ही है। हाँ, मैं तो जो अंशु भैया का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप कभी भी अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो पहले इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं। और कैसा क्या एडवेंचर रहा सारा वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाता ही रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, एक जवान हमारा आगे चल रहा है, दो जवान हमारे पीछे चल रहे हैं और एक मैं चल रही हूँ। और ये सेम रास्ता है जो वाटरफॉल का था, लेकिन बीच से ये कटेगा और कुछ शिवा कैफे से ये लेके जाएगा हमें रास्ता। A few moments later. So अभी यहाँ पे हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं जो कि हालत बुरी है, तो और ऊपर जाना है। So guys, पहला स्टॉप लिया शिवा कैफे से जस्ट पहले। एंड ये हमारे सारे मेंबर्स। हेलो, दे आर सुपर एनर्जेटिक एंड वी आर फर्स्ट। सारे थक चुके हैं ये, अभी 2% भी नहीं चढ़े और स्टॉप ले लिया हम लोगों ने। अभी ये इधर से जाना है, परसेंटेज वाली बात नहीं करते हम, चढ़ गए वही बहुत बड़ी बात है। चलो, सो गाइस 2 किलोमीटर कर लिए हैं एंड 5 किलोमीटर और बचा हुआ है, 2। तो अभी देखते क्या होता है, हालत देखो कितना और बचा यार, बचा कितना होगा। है सच सच। ओहो, तो गाइस आफ्टर 1 hour 40 minutes हम पहुंच गए मैगी पॉइंट। सो फार एवरीथिंग इज गुड एंड बहुत ज़्यादा सांस फूल गई है। एंड अब यहाँ पे मैगी पॉइंट पे करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर जर्नी को बढ़ाएंगे आगे, वो कहीं उस माउंटेन पे जाना है ऊपर। 30% अभी जस्ट कवर किया है, 70% अभी रहता है।
गाइस व्यू देखो कितना तगड़ा है, पहुंच गया माउंटेन के ऊपर। बट अभी वो जो पीछे दिख रहा है उसके ऊपर जाना है। एंड गेटो, हाउ इज यू फीलिंग? वेरी टायर्ड। सो एज यू कैन सी कि थक चुके हैं, बट देन ऑल्सो जर्नी तो कंप्लीट करनी है। और वो हमारे दो आदमी, और ये हमारा डॉगी कालू, आ जा। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर अपना बैग लाद दूँ, ये वाला। तू मेरा बैग ले जाएगा है? यहाँ पे एज यू कैन सी कॉटेज है, टेंट है, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो, बट हमें तो अभी ऊपर जाना है वहाँ पे। सो लेट्स गो देयर। सो गाइस चेक दिस आउट, कितना ऊपर आ गए। वो जो लास्ट में दिख रहा है ना, एक छोटा सा, वहाँ से चढ़ाई शुरू करी थी एंड 3 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए। और ये हमारी सारी टीम, एक जवान घायल है, गीतू आ गया, राहुल सेकंड नंबर, आई एम ऑन थर्ड। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चढ़े जा रहे हैं। और इफ यू कैन सी क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए, तो कुछ इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। एंड मैंने एक गलती कर दी, पीछे देखो, बैग देखो, इसमें कम से कम 10-11 केजी वजन होगा विच आई एम कैरिंग। सो हमेशा खाली आओ, इतना कैरी मत करो। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगा था, बट नाउ इट्स ईजी। है ना कि तो ये पहुंचने वाले हैं दूसरे पहाड़ के टॉप पे। एक मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, और ये देखो जस्ट थोड़ा सा बच गया। तो ये जस्ट पहुंच गया हूँ ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। देखो, हो यस गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं हमेशा सोचता था ना, ये क्यों बनाते हैं, ये साइन है माउंटेन्स में कि ये रास्ता है, आपको इस रास्ते पे जाना है। तो अब मुझे अभी जस्ट पता लगा थ्रू माय गाइड अनीश, और उसने कहा है कि यहाँ पे आप लोग ब्रेक लो 10 मिनट का, क्योंकि अब वो लास्ट ट्रैक रह गया है। तो यहाँ थोड़ी सी सांस लेते हैं। ये तीसरे पहाड़ के टॉप के ऊपर हम पहुँचने वाले हैं। पहले तो जो सबसे छोटा आपको दिखाया था, फिर मैगी पॉइंट वाला, फिर एक तीसरा जहाँ पे कैंपिंग थी, और ये इधर पे रुके थे। अब ये वाला पार्ट चढ़ना है, आगे को वेट करके चढ़ते रहो धीरे धीरे। बहुत ही ख़राब रास्ता है, बेसिकली कोई रास्ता है ही नहीं इस ट्रैक का, सारा फ्लश आउट हुआ हुआ। ट्रैकिंग का पहला उसूल कि कभी भी आप लोग जल्दबाजी मत करो, जस्ट टेक योर टाइम, जितना टाइम आप लोगों को लगता है लीजिए, एंड देन डू योर क्लाइंबिंग। किसी को देख के या किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो इतना तेज़ चलता हूँ, इतना नहीं चलता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू, थोड़े थोड़े धीरे धीरे चलो एंड डू क्लाइंबिंग। ये तो डू यू वांट टू से समथिंग? नो, आई डोंट वांट। व्हाई? आई एम सुपर टायर्ड। सुपर टायर्ड। सो गाइज एट लास्ट वी आर अबाउट टू रीच, एंड सारा गैंग हमारा साथ में ही है। सो बस ये कुछ लास्ट स्टेप्स रह गए, एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच आर बेस, जो कि आज रात का है। सो फाइनली व्हेन यू रीच, एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक। तो आज हमारा बेस यही है ना?
सो गाइज एट लास्ट आफ्टर 4.5 आवर वी रीच एंड जर्नी इज लिटिल बिट टायरिंग इनिशियली बट नाउ इट इज ऑल गुड. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? वेरी टायरिंग बट एडवेंचरस. नाइस. एंड व्हाट अबाउट चुटकी? आई एम सुपर सुपर टायर्ड एंड आई एम नॉट एंजॉयिंग इट. व्हाई? सो गाइज जब भी आप ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो या तो अपनी सारी चीज़ें कैरी करो जिसके बिना आप लोग नहीं रह सकते हो, अदरवाइज जो भी आपका टूर ऑपरेटर है ऐसे उनकी ये किचन्स बनी हुई हैं लाइक 1, 2, 3, 4 तो आपको वहीं से लेना है. तो अभी चाय हमारी इसमें इंक्लूड थी तो चाय हमें अभी मिलेगी और भैया यहाँ पे होते हैं. और अगर किसी को गर्म पानी चाहिए तो उसमें 50 रुपीज़ की बॉटल एंड 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है. सो 60 रुपीज़ ओवरऑल फॉर 1 लीटर वाटर, बॉयल वाटर. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सो गाइज अभी टाइम हुआ है अपना 5:30, 5:20 और आप व्यू देखिए. जब हम आए थे तो बादलों की वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे थे जैसे अभी यहाँ पे बादल हैं, बट सी हाउ गुड इट इज़. सनसेट यहाँ से होने वाला है अभी 1.5 आवर का है समय एंड ऊपर देखिए धौलाधार रेन सारी. सो हाउ गुड इट इज़ लुकिंग. अभी इसके जस्ट उस तरफ जाके आप लोगों को वो व्यू देखने को मिलेगा मज़ेदार जो आप लोगों ने बहुत ही कम देखा होगा. ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अभी से ही. तो कहेगा सी हाउ गुड इट इज़, कितना शानदार व्यू है. बहुत ही मज़ेदार है देखो. और ये हमारे 3 मस्कीटियर्स, एक हमने एड ऑन की है प्रियंका. Just look at the view, man. Amazing. Geetu is having having a coffee. Cup of noodles. Coffee nahi, Maggie. Worth hai, matlab. Itna chadhai worth hai. Under this view. Amazing. Kya classy view hai. Abhi chai dukaan door ho jayegi.